इस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रखते हुए इस यू ई डब्ल्यू पे चेक करना चाहिए। ये देखिए यू पे वी डब्ल्यू पे। हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीएम के बारे में कि इसे पीसीबी में लगे इसे कैसे टेस्ट करें और इसी चीज़ को पीसीबी से बाहर निकाल के कैसे टेस्ट करें कि ठीक है या ख़राब है। ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए एक आईपीएम है। एक आईपीएम है, इसे हम इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल बोलते हैं। इस आईपीएम को और एसपीएम भी नाम दिया जाता है, स्मार्ट पावर मॉड्यूल। आईपीएम और एसपीएम दो भी एक ही होता है, सिर्फ नाम अलग है, इसका काम एक ही है। ये अच्छी तरीके से अपने काम को निभाता है। इस आईपीएम की बात करें तो इसमें होते हैं दो सेक्शंस। एक इसका हाई साइड होता है और इसका दूसरा साइड लो साइड होता है इसका। अगर हम हाई साइड की बात करें तो ये जिसका आउटपुट निकल के कंप्रेसर को जाएगा, कंप्रेसर और फैन मोटर हाई साइड से निकल के। अगर लो साइड की बात करें तो इसके सारे पिन कनेक्ट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, जिससे इस आईपीएम को चलने के लिए कमांड आता है। इस माइक्रो प्रोसेसर इसको कमांड देगा तो ये आईपीएम अच्छी तरीके से काम करके इस कंप्रेसर को फैन मोटर को ड्राइव करेगा। तो देखिए ये इसका लो साइड है जिसमें बहुत सारे पिन लगे हुए होते हैं, ये इसका लो साइड होता है, ये इसका हाई साइड है। और ये बीच के पिन देख सकते हैं जो कि बाकी पिनों से थोड़े अलग है, थोड़े मोटे में है। ये कंप्रेसर के लिए यू वी डब्ल्यू आउटपुट जाएगा तो इन्हीं पिनों से जाएगा। तो चलिए इस आईपीएम को कैसे टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से। देखिए एक पीसीबी ले लिया हमने आईपीएम को टेस्ट करने के लिए। देखिए ये इसका आईपीएम है, जैसा आपको बताया था ये इसका हाई साइड होता है और इसका लो साइड जो कि ये सीधा इसके माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट हुआ होता है। ये देखिए ये इसका हाई साइड सीधा कंप्रेसर के लिए कनेक्ट होता है यू वी डब्ल्यू। इस तीन पिन की बात करें तो इस शंट से जुड़ा हुआ है। पीसीबी को पलटते हैं, ये देखिए ये तीन पिन आपस में स्ट्राइड से इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। ये देखिए इस कैपेसिटर पे ये कैपेसिटर के नेगेटिव है तो ये इस पे कनेक्ट हुआ, ये इसका नेगेटिव है। और ये तीन कंप्रेसर के आउटपुट के लिए यू वी डब्ल्यू ये तीन पिन होते हैं और ये बचा हुआ लास्ट पिन जो कि सीधा किससे जुड़ा हुआ है, इस कैपेसिटर पे। तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है जिसपे 300 वोल्ट स्टोर होते हैं वो सीधा इस आईपीएम पे इस वाले पिन पे आते हैं और इसका नेगेटिव है यू वी डब्ल्यू है। अब हम इस आईपीएम को पीसीबी से बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे। देखिए इस आईपीएम को पीसीबी से बाहर निकाला हमने, देख सकते हैं जैसा आपको बताया था ये इसका लो साइड होता है,
ये इसका हाई साइड होता है। ये तीन पिन पीसीबी में एक ही जगह जुड़े हुए हैं नेगेटिव से। अभी ये पीसीबी से बाहर है, जिसका ये तीन का नेगेटिव इसके जो अंदर लगे हुए आईजीबीटी होते हैं उस पिनों से अलग अलग से जुड़े हुए होते हैं। इसी चीज़ को मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे कि ये सही है ख़राब है। एक मल्टीमीटर ले लिया हमने और इसको डायोड रेंज पे रखते हैं, देख सकते हैं अभी मल्टीमीटर डायोड रेंज पे है। अभी इस आईपीएम को चेक करने के लिए हमको इस मल्टीमीटर के, ये पॉजिटिव होता है रेड प्रोब और ये ब्लैक नेगेटिव होता है, तो इसको टेस्ट करने के लिए एक पहला, ये तीन नेगेटिव है अलग अलग है, पहले एक पिन पे रखते हैं और ये इस पिन पे रखते हैं। देखिए 0.76 वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। ऐसे ही UVW ये तीन पे चेक करना चाहिए, किसी पे भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा है, इस पे भी कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ ये जो पहला पिन है और ये पहला पिन है ये आपस में दो पिन पे रीडिंग दिखाना चाहिए ऐसा, तो इसको सही मान सकते हैं। अभी हमने इसके दूसरे पे चेक किया, इस पे नहीं आ रहा है, इसके दूसरे पिन पे आ रहा है और इसके बाजू में, ऐसा ही फिर तीसरा पिन ले लेते हैं, पहले पिन पे कुछ भी नहीं आना चाहिए और इसके दूसरे पिन पे भी नहीं आना चाहिए और इसके तीसरे पिन पे ऐसा रीडिंग दिखाना चाहिए। अभी इसका नेगेटिव ले लेते हैं और इसके पॉजिटिव के साथ, देख सकते हैं जो रीडिंग है पहले से ज़्यादा डबल रीडिंग दिखा रहा है। ऐसे ही हम दूसरा ले लेते हैं और ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, तो ये सही है। तो ये पिन को इधर ही रखते हुए, ये पॉजिटिव पे नेगेटिव रखा हमने, अभी इस पॉजिटिव को UVW पे चेक करेंगे तो आपस में सेम रीडिंग लगभग एक ही दिखाना चाहिए, 478 फिर इधर चेक करने पे सेम ऐसा रीडिंग दिखाना चाहिए, तो इसको हम सही मान सकते हैं। अभी ये पीसीबी से बाहर है, हम इसकी लो साइड को नहीं चेक कर सकते। इसके लो साइड में सिर्फ हम ग्राउंड और 15 वोल्ट के बीच में जो शॉर्टिंग है और इसके जो UVW लो साइड के होते हैं 6 GBT कुछ शॉर्टिंग है क्या चेक कर सकते हैं। ये देखिए, उसके लिए हमको इस मल्टीमीटर बजर पे रखना चाहिए। अभी मैंने तीन पिन पे रखा था, देखिए नेगेटिव पे रखा, किसी भी पिन पे भी नहीं आना चाहिए, तो इसको हम सही मान सकते। एक बोर्ड ले लिया हमने, देखिए ये कई सारी कंपनियों में लगने वाला है, इसको हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं, वोल्टास, ब्लू स्टार, कई सारी कंपनी यूज़ करते हैं इसको। ये देखिए, ये इसका आईपीएम है, इधर हीट सिंक लगा हुआ है, तो बोर्ड को पलट लिया हमने। ये देखिए, ये इसका आईपीएम सेक्शन है, देख सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर ले लेते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ये आईपीएम का ये तीन पिन आपस में जहाँ जुड़े हुए हैं देख सकते हैं, 1 2 3 ये तीन पिन नेगेटिव होते हैं, तो ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब को इस पे रखना चाहिए। देखिए कहीं पर भी रख सकते हैं, तीन एक ही हैं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लैकर लगा हुआ है इस पर, ये देखिए। अभी ये तीन पॉइंट पे चेक करते हैं, पहले UVW, ये देखिए 0.468, फिर उसके बाजू में 0.468, उसके बाजू में 0.468,
तो सही दिखा रहा है रीडिंग। और इसके पॉजिटिव पे चेक करते हैं, इसका नेगेटिव है इसके पॉजिटिव से चेक कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है रीडिंग 0.532 सही है। ऐसे ही रखते हुए इस नेगेटिव को पॉजिटिव पे रखते हुए फिर इस मल्टीमीटर को पॉजिटिव को ले लेके फिर यहाँ से देखिए ऐसा रीडिंग दिखाना चाहिए, फिर ऐसा तो ऐसा चेक करने पे डायोड का रीडिंग शो करना चाहिए। अगर जैसे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं जब कुछ भी ऐसा रीडिंग दिखाया तो मतलब आईपीएम शॉर्ट है। अगर इसकी हाई साइड में शॉर्ट है तो बिना देखे इस आईपीएम को बाहर निकाल के दूसरा चेंज करना चाहिए। इसी तरह हम इसकी लो साइड को नहीं चेक कर सकते, मैक्सिमम हर आईपीएम हाई साइड से ही शॉर्ट होता है 95% चांसेस, और बाकी 5% है लो साइड में आईपीएम के अंदर से ही फॉल्ट होता है, जिस कारण हमें उस आईपीएम को चेंज ही करना पड़ता है। तो देखिए अभी इस पर कोई भी शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है, फिर वापस से चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस मल्टीमीटर का प्रोब है, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, अभी ये आईपीएम का नेगेटिव है, तो इसके लिए हमको मल्टीमीटर का पॉजिटिव को इस आईपीएम के नेगेटिव पे रखना चाहिए। तो देखिए नेगेटिव पे रखा पॉजिटिव को मल्टीमीटर का, ये देखिए ये आपस में यू वी डब्ल्यू लगभग सेम रीडिंग दिखाना चाहिए 468 एक दो रीडिंग ऊपर नीचे चलता ऐसे ही इसके पॉजिटिव पे थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहिए। फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हुए देखिए देखिए तो इसके सारे डायोड चेक हो गए। अभी इस यू वी डब्ल्यू पे चेक करते हैं, यू वी डब्ल्यू इस यू और वी के बीच में देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, अभी कुछ दिखा रहा है रीडिंग तो फिर वो वापस में ज़ीरो हो जाएगा, देखिए ज़ीरो हो गया। ऐसे ही यू और डब्ल्यू पे चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है रीडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए रीडिंग, तो इसको सही मान सकते हैं। अब हम एक दूसरी पीसीबी ले लेते हैं, देखिए एक पीसीबी ले लिया हमने, देखिए एक पीसीबी है, इसका आईपीएम टेस्ट करने के लिए हमको इस मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना चाहिए और ये पॉजिटिव को इस नेगेटिव पे रखते हुए यहाँ चेक करना चाहिए। देखिए डायोड का रीडिंग शो हो रहा है 0.478, ये देखिए पहले कितना दिखा रहा था 0.478, अरे बाजू में देखो 0.455 थोड़ा अलग है 0.455 चलेगा। ये देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहिए फिर भी कम दिखा रहा है। ऐसे ही रखते हुए फिर इधर से इधर चेक करना चाहिए, ये देखिए ये पॉजिटिव के पॉइंट पे हमने मल्टीमीटर का नेगेटिव रखा था, देख सकते शॉर्ट है मल्टीमीटर बंद हो गया, सॉरी गाइस। देखिए डायोड रेंज पे रखा था शॉर्ट है और इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो इस पे शॉर्ट नहीं है, तो ये आपस में दो इसके अंदर ये दो हाई साइड के तीन IGBT में दो IGBT शॉर्ट है, जिसके कारण ये देखिए ये U का पॉइंट है और ये V का W ठीक ही है, तो इसके आपस में दो IGBT शॉर्ट है इसलिए IPM शॉर्ट दिखा रहे, तो इसको खराब मान सकते हैं। तो इसको ओपन करके देखेंगे कि शॉर्ट होने पर कैसा दिखता है।
देखिए इस आईपीएम को, अभी ये तो शॉर्ट है, इसकी जगह डिसोल्डिंग करना इसको कोई ज़रूरत नहीं, तो शॉर्ट दिखा रहा है तो काट के निकाल दो। देखिए इसके सारे पिन कट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए देखिए इस आईपीएम को कट कर लिया मैंने, देखिए आईपीएम शॉर्ट है जैसा आपको बताया था। ये आईपीएम फटने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इस आईपीएम पे लगा हुआ होता है एक एल्यूमिनियम प्लेट जिसे हम हीट सिंक बोलते हैं। अगर ये आईपीएम उस हीट सिंक से अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ तो ये आईपीएम फटने के चांसेस बहुत होते हैं। ये देखिए ये एक आईपीएम है, इस पर लगा हुआ है एक एल्यूमिनियम प्लेट, इसे हम हीट सिंक बोलते हैं। अगर इसका हीट सिंक इस आईपीएम से अच्छी तरह से नहीं जुड़ा तो ये आईपीएम फटने के चांसेस बहुत होते हैं। और इस दो के बीच में हम एक वाइट पेस्ट जिसे हम कंपाउंड पेस्ट हीट सिंक पेस्ट बोलते हैं, अगर वो हम सही से नहीं लगाते, अगर नहीं लगाते तो आईपीएम फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते। देखिए अभी अच्छे से जुड़ा हुआ है, ये स्क्रूज भी आपस में अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए, अगर गैप आ गया तो आईपीएम फटने के चांसेस है। एक और बोर्ड ले लेते हैं आईपीएम टेस्ट करने के लिए। देखिए अभी मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर रखते हैं, देख सकते हैं। अभी इसके लिए हमको इस मल्टीमीटर को, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव के ऊपर इस मल्टीमीटर का पॉजिटिव रखना चाहिए। देखिए पॉजिटिव रख लिया मैंने, शॉर्ट है, हमको पहले ही शॉर्ट दिख गया है। .0.393 तो फिर यहाँ रखते हुए फिर यहाँ से चेक करेंगे। देखिए एक शॉर्ट है, शॉर्ट है, तो ये आईपीएम भी शॉर्ट है। इस तरह हम पीसीबी में लगे लगे आईपीएम को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसा लगा हुआ है, अगर आईपीएम ऐसा लगा हुआ है पीसीबी में, इस नेगेटिव की जगह हमको पॉजिटिव रखना चाहिए। देखिए मल्टीमीटर इस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रखते हुए इस यूवीडब्ल्यू पे चेक करना चाहिए। ये देखिए यू पे वी डब्ल्यू पे शॉर्ट दिखा रहा है, तो मतलब इसका आईपीएम शॉर्ट है, तो ऐसा हम आसानी से चेक कर सकते हैं। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।